आपको हम, लेकिन जब हम कार्य चल पड़ेंगे तो आपको रास्ते अवश्य मिलेंगे, इतना तो सुनिश्चित है, क्योंकि बाबा जी ने आपसे सेवा लेनी है, करानी है। लेकिन उसके लिए सहयोग जो है, ये चीज़ें जो होती हैं संगत के सहयोग से ही होती हैं, ऐसे नहीं हो सकती। तो आप एक पूर्ण सहयोग के साथ आगे बढ़ें। बाकी यही विचार शक्ति की, अपनी विचार शक्ति, मन की शक्तियों को जगाएं। आजकल देखिए श्रवण मास चल रहा था, चैत्र मास है, श्रवण नवरात्रि आ रहे हैं, तो इसमें जितना भी आप धूप दीप पूजा पाठ और सत्संग कीर्तन करेंगे उसका अनंत फल की प्राप्ति है। अभी नवरात्रि आ रहे हैं, इनमें आप पूजा करें तो मन का शुद्धिकरण, क्यों खाने पीने में आपको अपने में विचारों में शुद्धिकरण लाना पड़ेगा। तो जब ये सारी चीज़ें जो है का शुद्धिकरण हो, तब आपकी तन मन की जो है शुद्धि होगी। और जैसे जितने भी आज के समय में देखिए आप रोग दोष भय विकार इतनी चीज़ें चल रही हैं, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि हम इन चीज़ों से पूजा पाठ नियम सत्संग इनसे वंचित तो होते जाते हैं। और अपने इष्ट से जब हम सोचते हैं कि हमें ये हो रहा है, डर लग रहा है, प्रॉब्लम, तो क्यों कमी क्या है उसमें? क्योंकि आप अपने इष्ट से अपने गुरु से दूर होते जाते हैं, तो उनमें निकटता लाएं। निकटता कैसे आएगी? उनकी शरण में बैठें, जो सिमरण लिए है उसको करें। जब स्थितियाँ परिस्थितियों विपरीत होती हैं तो बैठें, पाठ का समय बढ़ा दें, सत्संग का समय बढ़ा दें, और अपना विश्वास डगमगाने ना दें, तो अपने आप आपको रास्ते मिलेंगे। तो सबसे जरूरी ये चीज़ें हैं, इसलिए क्योंकि ज़्यादा जो है तर्क वितर्क जो है वो इन चीज़ों में नहीं चलते हैं। धार्मिक उसमें ज़्यादा तर्क होते हैं, सिर्फ आस्था चलती है, आपका भाव चलेगा, मन चलेगा, और बाकी चीज़ें ये नहीं है उसमें किंतु परंतु ये चीज़ें वो छोड़ दें, क्योंकि और दूसरे में अगर ज़्यादा किसी को समझाने की जरूरत भी नहीं है। कहते हैं ज़्यादा समझदार को और मूर्ख को समझाना उतना ही मुश्किल है जितना कि पानी पर लकीरें खींचना है। तो उसमें ज़्यादा जो है आप अपना कार्य करें, समझा दे बता दिए, अपना कर्म कर लिया, के कोई मानता है नहीं मानता है तो वो उसकी कमी है या उसका मन मस्तिष्क है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बाबा जी के चरणों में लगे रहें, हमेशा यहाँ पर सत्संग कीर्तन चल रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, विदेशों में बैठे हैं, जो जो भी बाबा जी से आपकी कामना है बाबा जी से मांगे, उनसे माने, उनको माने, घर में धूप दीप जैसा कि रविवार का दिन होता है बाबा जी का, आप देखिए इतने रविवार का दिन आप सभी को छुट्टी होती है, फ्री होते हैं, बाकी के दिनों में अब अगर हम नहीं इतना कर सकते हैं सेवा सिमरण, तो घर में बैठे नहाएं धोएं बच्चों को साथ लगाएं और बाबा जी का रोट धूप दीप बनाएं, बैठकर घर में ही कीर्तन कर ले, मंदिर तक नहीं आ सकते कभी लगता है तो बच्चों को भी लगाएं, बैठ के बाबा जी का चालीसा है उसको पढ़ें, बच्चों को पीछे पीछे पढ़ाएं, उनका मंत्र है मंत्र उच्चारण कर लें, तो उससे आपके घर की जो है तो शुद्धि हो जाएगी, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, नेगेटिव विचार आपके मन, और बच्चे भी इस तरफ जोड़ेंगे, साथ साथ में आपको बच्चों को भी इस तरफ जोड़ना पड़ेगा। नहीं तो आप जो यहाँ विदेशों में कमाने आए हैं सिर्फ धन नहीं कमा लोगे, असली धन जो है आपकी औलाद है उसको आप खो दोगे। जो चीज़ें चल रही है कि बच्चे मानते नहीं, सुनते नहीं, क्यों नहीं सुनते? कमी किसकी है? आपकी है, बच्चों की नहीं है, वो नहीं सुन रहे हैं।